मसीह में प्रिय भाई बहन, आप सबको अनुग्रह और शांति हो। आज हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 1 से 31 वचनों तक हम पढ़ेंगे और उस पर मनन करेंगे। फिर वह वहां से उठकर यहूदिया की सीमा में और यर्दन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रख कर उन्हें आशीष दी। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक यथार्थ अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन, पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के विषय में दो अलग अलग
बातों को लिखा गया है। एक तो बालकों के विषय में लिखा गया है और दूसरा धनवान के विषय में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग बालकों को यीशु मसीह के पास ला रहे थे ताकि वह उन पर हाथ रखे, उनको आशीष दे। तो चिड़े लोग उनको डांटते हैं, उनको नहीं आने देते हैं। तो यीशु मसीह उस समय क्या कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। जो बच्चे होते हैं उनको हम जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी हम उनको सिखाते हैं वो तुरंत मान लेते हैं, वह तुरंत सीख जाते हैं। उनको कहते हैं कि ये गाड़ी है, ये पानी है, इसे हाथी कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो वो तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ वैसी जैसी है वो जो बात जैसी है उसको वैसे ही विश्वास करके स्वीकार कर लेते हैं। उनको अपने माता पिता पर, आसपास जो उनका फैमिली है उनके ऊपर एक विश्वास रहता है, और जो कुछ भी उनको सिखाया जाता है वो उसको वैसे ही मान लेते हैं। जो बालक लोग हैं वो एक निर्दोष और मासूम रहते हैं, उनको दुनियादारी का कुछ पता नहीं होता। तो यीशु मसीह उनको कहते हैं कि जो कोई इन बच्चों की तरह अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के राज्य को स्वीकार नहीं करता वो उसमें कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करना। तो परमेश्वर के राज्य को ग्रहण कैसे करेंगे, परमेश्वर के राज्य को स्वीकार कैसे करेंगे? तो परमेश्वर का राज्य हमारे पास कैसे आया, हमारे बीच में, हमारे अंदर वो परमेश्वर का राज्य कैसे आया? तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में, हमारे अंदर आया। तो जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, सुसमाचार पर विश्वास करता है, वो क्या करता है? परमेश्वर के राज्य को स्वीकार करता है। जो फरीसी लोग थे वो यीशु मसीह का स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, परमेश्वर के राज्य को स्वीकार नहीं कर पाए। परमेश्वर के राज्य की बात तो उनके समझ में नहीं आती थी क्योंकि वो खुद के घमंड में, खुद की बातों में, उनके जो खुद के नीति नियम, खुद के रीति रिवाजों में ऐसे फंस गए थे कि जो यीशु मसीह के काम उनके सामने थे, वो सब बातें, जो वो सब भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के बारे में लिखी गई थी वो सब उनके सामने थी, फिर भी यीशु मसीह का वो स्वीकार नहीं कर पाए। वो क्योंकि वो बच्चों के समान नम्र होकर उन्होंने परमेश्वर की बातों को स्वीकार नहीं किया। अब दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं एक धनवान के बारे विषय में। एक आदमी यीशु मसीह के पास दौड़कर आता है और उनसे कहता है कि उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ? तो यीशु मसीह उनको कहते हैं, उनको आज्ञा कहते हैं कि तुम तो यही आज्ञा जानते हो। तो वो आदमी कहता है कि इनको तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। तो यीशु मसीह उनको एक बात बताते हैं कि अपना जो कुछ भी है उसको बेच कर कंगालों को दे दो तो और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। तो लेकिन वो आदमी उस समय निराश हो जाता है क्योंकि उसके पास बहुत धन था, उसके पास बहुत दौलत थी। तो वो उदास होकर चला जाता है। यीशु मसीह वहाँ पर एक बात सभी लोगों को बताते हैं कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। जिन लोगों को ये बात कुछ समझ में नहीं आती है तो 24वीं कलम में वापस यीशु मसीह उनको कहते हैं कि हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। 23 में कहते हैं कि धनवानों का प्रवेश करना कठिन है, और 24 में कहते हैं कि जो धन पर भरोसा रखता है उनके लिए कठिन है। यानी कि धनवान होना गलत नहीं है, धनवान होना
होने से ऐसा नहीं है कि जो भी धनवान है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के आशीष और वो सब रहता है, लेकिन जो धन के ऊपर भरोसा रखता है, जिसका मन हमेशा धन के ऊपर लगा रहता है कि धन कैसे कमाना, और जो धन है मतलब सब कुछ है, ऐसा ऐसे ही एक आदमी के बारे में यीशु मसीह लूका 12 उसका 13 से 21 में बताते हैं। वो एक इंसान है जिसकी भूमि में अच्छी बड़ी उपज होती है, और फिर वो सोचता है कि मैं अपनी बखरियाँ तोड़कर उससे बड़ी बनाऊंगा और अपना सब अनल संपत्ति इकट्ठा करूंगा, और फिर मैं आराम करूंगा, चैन कर खा पी सुख से रहूंगा। तो वहाँ पर परमेश्वर उनसे कहते हैं कि अगर इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठे किया वो किसका होगा। और फिर 21 में लिखा है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। कई लोग पैसे की बातों में धनी होते, लेकिन परमेश्वर की बातों में धनी नहीं होते। उनका मन हमेशा धन के ऊपर लगा रहता है। मत्ती 6:19 से 21 में यीशु मसीह कहते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यीशु मसीह उस आदमी को यही कहता है कि अपना जो कुछ है उसको बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यही है खुद का नकार करके, खुद को जो पसंद है वो सब चीज़ों को छोड़ के क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना। यीशु ने कहा था, जो कोई अपना नकार करके अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरा चेला नहीं बन सकता। ये आदमी खुद का नकार नहीं कर पाया, खुद को जो धन के ऊपर भरोसा था, धन का जो लालच था, वो सब बातों को वो छोड़ नहीं पाया, इसलिए उसका जो मन है वो यहाँ के धन के ऊपर लगा रहा और उसे स्वर्ग का धन नहीं दिख पाया। उसका मन जगत की बातों बातों में ही लगा हुआ था, इसलिए यीशु ने कहा कि धनवानों पर धन के ऊपर जो भरोसा रखता है उनके लिए कितना कठिन है। हम सोचेंगे कि अगर पैसे ही नहीं रहे तो हम कैसे जिएंगे, पैसों पर आधारित तो रहना ही पड़ता है ना, तो हम ये कैसे कर सकते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम अपने बल पे नहीं, कुछ नहीं कर सकते, हम परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करता है, परमेश्वर का अनुग्रह इन सब बातों के लिए पूरा करने के लिए हमारे लिए काफी है। हमारे पास शायद पैसे रहे या ना रहे या कुछ भी हो, लेकिन हमारा भरोसा हमेशा परमेश्वर की ऊपर लगा रहना चाहिए। पैसों की बाबतों में धनी हो या ना हो चलेगा, लेकिन परमेश्वर में धनी रहना है, परमेश्वर में बना रहना है। परमेश्वर में धनी होना मतलब परमेश्वर की बातों से हमेशा भरपूर रहना, परमेश्वर में बना रहना, उनको और भी फल देते रहना है। कई अगर पैसा खत्म भी हो जाए, कुछ भी हो, हमारा परमेश्वर हमें खिलाने वाला परमेश्वर है। इसराइलियों को इतने सालों तक मरुभूमि में परमेश्वर ने खाना दिया, एलिया को भी खाना दिया। हमारा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा भरोसा कभी भी पैसों के ऊपर नहीं रहना चाहिए। हमारा मददगार, हमारा शरण स्थान, सब कुछ, हमारा सभी बातों का मेन मेन स्रोत परमेश्वर है। हमारी सारी बातें परमेश्वर की ओर से आती है। पत्रस यीशु मसीह को पूछता है कि
कहता है कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। तो यीशु मसीह उनसे क्या वादा करते हैं कि जिसने भी मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मेरे लिए सुसमाचार के लिए अपने भाई या बहनों, माता पिता, बाल बच्चों, ये खेतों को छोड़ दिया, वो अनंत जीवन परलोक में अनंत जीवन तो पाएंगे ही, लेकिन इस सामय में भी, इस जीवन पृथ्वी पर के जीवन में भी कई आशीषों को पाएंगे। तो हमारा जो धन है हम स्वर्ग में इकट्ठा करना है, हम जितने जब परमेश्वर की बातों में बढ़ना है, खुद को नकार करके हमेशा क्रूस उठा कर चलना है, परमेश्वर की बातों में चलते चलते जिस बातों को हमें छोड़ना है उसको छोड़ना है, जो संबंधों को तोड़ना है वो तोड़ना है, बच्चों के समान परमेश्वर की बातों को सीखना है, अपने दिमाग को लड़ाए बिना, अपने लॉजिक को इस्तेमाल किए बिना, और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बातों को नम्र होकर बच्चों के समान स्वीकार करना है और सीखना है। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिताजी, इस समय के लिए धन्यवाद, जो वचन आज हमने देखा, इस वचनों के द्वारा जितने भी लोग सुन रहे सभी का आशीर्वाद कीजिए, हमेशा हमारा भरोसा आपके ऊपर बना रहे। हल्लो पिताजी, आप जैसे हमको सिखाना चाहते हो उस बातों को हम सीखते चले, बढ़ते चले, इसलिए हर एक कृपा दीजिए, अनुग्रह दीजिए। ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आपका आशीष दे।